हे गाइस, कैसे हैं आप सब। एक नया इनिशिएटिव लाया हूँ मैं, जिसमें मैं आपको हिंदू पढ़ाना सिखाऊँ। तो ये कोई इनिशिएटिव नहीं है जिसमें हिंदू काफ़ी दिन तक चलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग खुद से न्यूज़पेपर को पढ़ सकें, उसको एनालाइज कर सकें, उसको अपनी प्रिपरेशन से रिलेट कर सकें। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करता हूँ। तो ये है 24 मई 2022, और हम पहला न्यूज देखते हैं। तो ये कहता है कि इंडिया टू ज्वाइन ब्रिटेन्स न्यू ट्रेड इनिशिएटिव फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये ब्रिटेन कौन है भाई? तो ये यूएस प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ होने वाला है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसके अंदर 7 कंट्रीज आ रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है और हम कैसे इसको अपने प्रिपरेशन से जुड़े। तो एक चीज हम लोग देखे हैं कि जब अफगानिस्तान से यूएस पुल आउट किया, तो वहां पे कहा गया था कि अब यूएस जो है वो पैसिफिक रीजन पे ज्यादा कंसेंट्रेट करेगा। वो चाइना के जो एक इकोनॉमिक डोमिनेंस है, एक पॉलिटिकल डोमिनेंस है, उसको कम करने का कोशिश करेगा, राइट। उस चीज को लेके यूएस का ये एक इनिशिएटिव है। अब अभी चीजें स्टार्ट हो रही है, न्यूज़पेपर में बार बार इस चीज के बारे में आएगा, और धीरे धीरे हमें इसको एक फ्रेमवर्क बनाना है। और न्यूज़पेपर इसलिए हेल्पफुल करता है क्योंकि जब आप न्यूज़ को धीरे धीरे समझते हैं, उसके बेबी स्टेज से लेके उसके एडल्ट स्टेज तक समझते हैं, सॉरी, तब चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आती है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट क्या, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी इन टोक्यो। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि टोक्यो में पार्टनरशिप होने वाला है। 4 पिलर्स हैं, जो क्या है, ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलेंस, क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बोनाइजेशन एंड टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर्स, ठीक है। अब कितने कंट्रीज हैं, तो इसमें 10 आउट ऑफ 7, 7 आउट ऑफ 10 जो एशियन कंट्रीज हैं वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलोंग विद क्वाड। क्वाड जो काफी इंपॉर्टेंट होते जा रहा है अब जियो पॉलिटिकल सीनारियो, ठीक है, जो 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया के प्रेजेंट सिनेरियो में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट ईयर ही इंडिया वॉकआउट कर गया था आरसीईपी से। तो वहां पे एक ग्लोबल फॉलआउट था इंडिया के लिए कि इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, और इंडिया को इनडायरेक्टली भी प्रॉब्लम था क्योंकि जो मार्केट इंडिया को मिल पाता वो भी नहीं मिला। ऑल्दो इंडियन के फार्मर्स इंडस्ट्री या जो मिल्क इंडस्ट्री था उसको नुकसान होता तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जब इंडिया इस चीज से पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ पे जो स्पीच आया है कि आई बिलीव दैट रेजिलिएंट सप्लाई चेन मस्ट बी बेस्ड ऑन 3 पिलर्स, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। तो ऑफ कोर्स मोदी जी का भाषण है, तो TTT समथिंग लाइक दैट हमेशा सा कुछ होने वाला, और इस बात को किया, तो ये भी एक तरह का अच्छा स्टार्ट है। और आगे हम जब चीजें बढ़ेंगी, चीजें डेवलप होंगी, तो उसको हम लोग समझना चाहेंगे। कुछ और भी चीज है जो यूएस कह रहा है कि यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करेंगे कि आप टैरिफ रिड्यूस करो या इंक्रीज मार्केट एक्सेस करो, ठीक है, और ये रिप्लेस नहीं करेगा 11 नेशन के CPTPP को, जो यूएस क्विट कर दिया था 2017 में। ये भी एक रेजीम चेंज जब हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप के टाइम, तो उन्होंने काफी ऐसे रैंडम डिसीजंस लिए थे, उसमें से एक था कि वो इस CPTPP से बाहर निकल आए थे। फिर एक और बात था कि 3 कंट्रीज जो है, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस, लाओस जो चाइना से काफी नजदीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, एक स्टार्ट का भी न्यूज है, न्यूज अपने अर्ली फेज में से डेवलप होने देते हैं, और इसे हम अपने इंडो पैसिफिक रीजन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो जिसपे क्वेश्चन आता है, उसका एक पैराग्राफ ही हो सकता है। अब आप देखिए, समझिए, ये एक पूरा न्यूज नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, बट एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें आप इसको रेफरेंस कर सकते हैं इन द होल इंडो पैसिफिक सिनेरियो, क्या क्वाड के रिलेटेड। तो ये समझना है कैसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे एक और न्यूज है, इंडिया टू बी द लीडर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आना चाहिए था कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, कुछ और भी तरह के हाइड्रोजन होता है क्या। तो हाँ, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो किस सोर्स से प्रोड्यूस होता है, वो सोर्स उसके आगे का जो ये नॉमेनक्लेचर है वो उसको डिफाइन करता है। अब तो इसको अब हम क्या करेंगे कि करंट अफेयर्स है,
उसको हम स्टैटिक से रिलेट कर देंगे और हम जाके सर्च करेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन इन इंडिया या इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेवोस में सबमिट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन मिनिस्टर गए हैं, हमारे ये हरदीप सिंह पुरी जी गए हैं, पीयूष गोयल गए हैं और एक हेल्थ मिनिस्टर भी शायद गए हैं। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट से क्या निकलता है पूरा मीटिंग्स हो जाने दीजिए, डेली न्यूज आएंगे, हल्का फुल्का देखना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना। यूएस टू डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइना ब्रिटेन, ठीक है एक स्टेटमेंट है, इससे भी ज्यादा आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये डायरेक्ट इंडिया से रिलेट नहीं है, ये यूएस ताइवान और चाइना के बीच का मामला है। और जब हमें करना होता है तो इंडिया से ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन आने का कोशिश होता है, तो समझ रहे हैं किसको छोड़ना है किसको अच्छे से करना है, इसका एक फ्रेमवर्क आपको मिल रहा है। फिर यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि वर्ल्ड में हैव लॉस्ट 11.2 करोड़ जॉब्स ILO, तो ये बता रहा है कि इन्फ्लेशन, कोरोना और कोरोना के बाद के समय में कैसे जॉब्स का लॉस हुआ। और यहाँ पे द वर्ल्ड ऑफ वर्क इज बीइंग बफेटेड बाय मल्टीपल क्राइसिस सिंस 9th एडिशन ऑफ ILO मॉनिटर। अब देखिए यहाँ पे कैसे न्यूज में आ सकता है, सोसाइटी से रिड्यूस रिलेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे जेंडर गैप से इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन, सॉरी वुमेन मार्जिनाइजेशन हो रहा है। ये कहा जाता है ना कि अगर जॉब लॉस होता है ना तो सबसे ज्यादा इफेक्ट वुमेन को होता है, और वुमेन का इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन के वजह से कैसे होता है, ये उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो सोसाइटी चैप्टर में सोसाइटी के जो टॉपिक्स है वहां पे आपको ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। इसके बाद देखिए सिटी का न्यूज आता है, तो सिटी का न्यूज डे टू डे में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है, बट वहां से भी हम लोग कुछ सीखते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली कैसे अफेक्ट कर रहा है ना, वो कैसे चेंजेस हो रहा है, कैसे ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कैसे सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं, तो ये उसका एक फ्रेमवर्क है, तो ऊपर ऊपर देखना है, ज्यादा ध्यान इस पर नहीं देना है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन आता है। एडिटोरियल सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर कोई टॉपिक है तो उसका फॉर, उसका अगेंस्ट, उसका व्यू पॉइंट बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है एडिटोरियल। इवन जब आप ऐसे लिखते हैं तो ऐसे कैसे लिखा जाता है, इसका एक बहुत ही अच्छा प्रारूप आपको एक एडिटोरियल से मिल सकता है कि ये जो पहला पैराग्राफ है ये क्या बोलता है। ये एक बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर आप देखिएगा कि एक लिखा हुआ है देयर इज एन एक्ट नाउ, तो यहाँ पे वो एक्ट के बारे में समझाएगा। एक इंस्टीट्यूशनल का कोलैप्स हुआ है तो वो इंस्टीट्यूशन का कोलैप्स समझाया, तो किस तरीका से एक ऐसे को रिलेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक एडिटोरियल कैसे रिलेट किया जा रहा है वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है। तो हाउ फार टेंजस मोमेंट नाउ देन इन 1922 द ओपनिंग ऑफ गैनबी इज नॉट अबाउट हिस्ट्री, इट इज अबाउट रिक्लेमेशन सेंट्रल टू लार्जेस्ट सुपरमिस्ट प्रोजेक्ट। अब कैसे समझा जाए कि कोई एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि यार हम पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे और फिर सोचेंगे चलो अब सही नहीं, तो फिर टाइम बर्बाद है। अब देखो ये किससे रिलेटेड है, ये ऊपर ऊपर लग रहा था कि जो 1992 में बाबरी मस्जिद कोलैप्स हुआ था, तो अभी जो ये कोलैप्स ज्ञानपी मस्जिद का और जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट वो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो क्या UPSC डायरेक्टली इस तरीका का कुछ पूछेगा, नहीं पूछेगा, क्या ये एग्जाम्पल है या एक तरह का मोमेंट है, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आने वाला है, तो इसको छोड़ देना चाहिए। और हैंड्स ऑन डेक आफ्टर सेंट्रल ड्यूटी स्टेट मस्ट डू द सेम विद द टैक्सेस, तो यार स्टेट टैक्सेस कम करेगा, सेंट्रल टैक्सेस कम करेगा, सेंट्रल बढ़ाएगा स्टेट बढ़ाएगा, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा इकोनॉमिक डेटा एक जगह से बस फोकस होना चाहिए, जो फेब मार्च में इकोनॉमिक सर्वे आती है और बजट आती है, उसके बाद क्वार्टरली डेटा और जितनी तरह का डेटा आता है उसे हमें ध्यान नहीं देना। ये भी अच्छा टॉपिक था कि हार्वर्ड ब्रांच इन इंडिया प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस विल बी वर्थ फाइट फॉर पॉलिसी मेकर टू लुक एट एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेसंस। हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बोलोगे तो यार एडुकेशन से रिलेटेड है, बट ये किस एडुकेशन से रिलेटेड है, हायर एडुकेशन से रिलेटेड है, तो क्या क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्टली कभी आएगा कि प्लीज मेंशन व्हाई इंडियंस हायर एडुकेशन इज नॉट अप टू द मार्क, क्या UPSC को इतना ज्यादा समय है, इतना उसके पास टाइम है कि वो 20 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन हायर एडुकेशन पे डालेगा, तो नहीं। अगर आप क्वेश्चन पे एनालाइज कीजिएगा तो क्वेश्चन एडुकेशन एज द होल पे आएगा, जहाँ पे आप एक टॉपिक में मेंशन कर सकते हैं कि हायर एडुकेशन कैसे अफेक्ट हुआ या कैसे NEP उस चीजों को सॉल्व करने का क्राइसिस कर रहा है,
तो मेरा कहना है कि ये पूरा का पूरा पढ़ना उतना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप PT365 पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं इस टाइप का नॉलेज आपको मिल जाएगा, है ना। फिर ग्रैंड स्लैम ATP एंड WTA डिड द राइट थिंग बाय स्ट्रिपिंग विंबलडन ऑफ रैंकिंग पॉइंट्स। यहाँ पे ऑल्दो न्यूज स्पेसिफिक काफी कुछ नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि विंबलडन जो था, जो यूके गवर्नमेंट करवाती है या वहां होता है, उन्होंने विंबलडन को फोकस प्रेशर किया कि भाई तुम रशिया के प्लेयर्स को अलाउ ना करो, बेलारूस के प्लेयर को अलाउ ना करो, और उसने ऐसा किया। तो जब ऐसा हुआ तो ATP और WTA जो गवर्निंग बॉडीज है उन्होंने इनका राइट्स छीन लिया, अब उससे रिलेटेड है। अब कैसे क्या हो रहा है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक समझना है कि कैसे पॉलिटिकल टर्मोइल से गेम्स जैसे चीजें भी भारी पड़ रही हैं, और दोनों कहीं ना कहीं रिलेट हो जा रहा है, आप दोनों चीजों को अलग नहीं रख पा रहे हैं, और ये कंट्रोवर्सी इसी से रिलेटेड है। व्हाई फैक्शंस मैंडेट आर एसेंशियल्स, तो फिर हमको नहीं लगता है कि इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना है कि आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 21 क्या कहते हैं। मोटा मोटी अगर इस तरह का होगा तो जितना 65 में आएगा उतना कर लो, काफी है। मीटिंग फैमिली प्लानिंग गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टीम फॉरेस्ट मूवमेंट ठीक है, या कर्नाटका कंटेक्स्ट में, सिर्फ इंडिया कंटेक्स्ट में होता तो बहुत पढ़ते। क्रिप्टो करेंसी प्राइस फॉल, तो यार ये काफी हॉट टॉपिक है, क्योंकि बजट में भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा गया था, इकोनॉमिक सर्वे में भी पावर कहा जा रहा है, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए कि कैसे क्रिप्टो करेंसी फॉल हो रहा है। और एज अ क्योंकि हम एक यंग जनरेशन है, हमें ये भी समझना होगा कि बिटकॉइन जो कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है, हम क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे सच में हमारा पैसा कोई चीज पे लग रहा है, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये एक तरह से, अब देखो यहाँ पे सबसे अच्छा एक काफी मतलब सेकेंड इम्पोर्टेंट न्यूज होगा ये, डिवास्टेशन इन डीमा हसाओ एंड आफ्टर इफेक्ट्स। क्या पूछ सकता है भाई, ये डीमा हसाओ कहाँ है, है ना, अब आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। देखो एक ना हमेशा से प्रॉब्लम रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें, राइट। हमें नॉर्थ ईस्ट को, हमें JNK को, हिमालय स्टेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, वहाँ पर डेवलपमेंट लाना है, बट वहाँ का जो इको सिस्टम है वो फ्रेजाइल है। क्या बोला था, टर्शियरी माउंटेन रीजन, शिवालिक रेंज का जो रॉक्स है वो सेडिमेंट्री इन द सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो वो काफी कमजोर है, राइट, वहाँ पे फॉल्ट्स है। और इसमें कुछ कुछ जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हड़बड़ी में जो बनाया हुआ प्रोजेक्ट था उसमें काफी डिजास्टर्स प्रोन एरिया से गुजारा जा रहा है रेल को, और वही ये क्राइसिस का नतीजा है। तो यहाँ पे CSD गवर्नमेंट का लैब्स है, ह्यूमन लैब्स है, और अभी तो ये प्री मानसून मानसून है, जब पूरी तरह मानसून आएगा तो सोचिए और कितना ज्यादा क्राइसिस हो सकता है। तो जो हमारा पॉलिसी है नॉर्थ ईस्ट लुक एक्ट, नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी, वो भी इफेक्ट हो रहा है। इंजीनियरिंग टोमेटोज टू प्रोटीन विटामिन, बस इतना जान लेना है, उससे ज्यादा इस पे PhD करने की जरूरत नहीं है। फिर ये सेक्शन है हमारा न्यूज का, मोस्टली इंडियन न्यूज। अब देखो NSE का बार बार चल रहा है चर्चा, तो डे टू डे इस सब पे उतना ध्यान नहीं देना है, कंट्रोवर्सी पे। जापान गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। देखो सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूट इंटर स्टेट काउंसिल, अब देखो यहाँ पे कुछ न्यूज हुआ, अब इसे क्या करना है, हमें एक लक्ष्मीकांत खोलना है, इंटर स्टेट काउंसिल खोलना है, और देखना है कि भाई कौन इसका चेयरमैन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है और चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड 6 यूनियन मिनिस्टर एज इट्स मेंबर। तो इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो हमें पढ़ लेना है अलोंग विद जो करंट भी, तो करंट और स्टैटिक का यहाँ पे रिलेशन है। आशा वर्कर्स कैन WHO ग्लोबल प्लॉडिट्स, अब यहाँ पे क्या है कि आशा वर्कर्स कौन है, मिडवाइफ्स कौन होते हैं, क्या डिफरेंस है उसमें, और क्यों उन्हें WHO का ग्लोबल प्लॉडिट्स मिला। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है जो सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये इसका एक वे फॉरवर्ड, आप कोई भी चीज़ में कि कैसे वुमेन को हमको सर्विस प्रोवाइड करें या कैसे चाइल्ड का वेलफेयर कर सकते हैं, वहाँ पे आशा वर्कर का एग्जाम्पल हर जगह आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये याद रहेगा कि WHO ग्लोबल प्लॉडिट्स मिला है तो आपके आंसर को क्रेडिबिलिटी मिल, समझ रहे हैं बात को। फिर न्यू बिलियनर एवरी 30 ईयर्स ड्यूरिंग द पैंडमिक, सोचिए
हर पैंडेमिक में जब हर सेकंड किसी का जॉब जा रहा था, कोई माइग्रेंट डेथ कर रहा था, यहाँ हर 30 घंटा में एक बिलियनर बन रहा था। तो ग्लोबलाइजेशन और क्या बोलते हैं कैपिटलिज्म, उसके निगेटिव इम्पैक्ट्स का ये एक एग्जाम्पल है। जेलेंस्की 6 मोर सैंक्शन ऑन रशिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ऊपर ऊपर जान लें, जो हो रहा है उसको समझें और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट समझने का कोशिश करें। अब देखो यहाँ पे हमने एल्बनीज सॉरिन पार्क ऑस्ट्रेलियन पीएम भी किया कि देखो जब हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे होते हैं तो हम स्टेट पीएससी भी देते हैं, अदर एग्जाम्स भी देते हैं, तो वहाँ पे उसके लिए अलग से तैयारी करना सही नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे न्यूज में आया कि भाई हाँ क्या है तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंथोनी एल्बनीज, अभी याद कर, बार बार जब न्यूज में आएगा तो वही याद हो जाएगा और अलग से लास्ट में इसको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखो हाँ यहाँ पे जो पिछले पहले बता रहे थे कि Q4 का डेटा है तो क्या हमारे लिए जरूरी है, नहीं जरूरी है। हीट वेव को वर्सन इन्फ्लेशन प्रेशर, बस इतना जान लेना है कि भाई हीट वेव से भी इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ सकता है, उससे ज्यादा पीएचडी नहीं करना। फिर देखो FDI इक्विटी इनफ्लोस फेल 1% इन FY 2022 DPIT। अब मैंने इसलिए नहीं सोचा कि देखो DPIT बार बार स्टार्टिंग में पढ़ते हैं क्या क्या करता है, अब देखो कैसे ये यहाँ पे बता भी रहा है तो बस समझ लेना है कि अच्छा ये डेटा कौन कर रहा है, तो DPIT निकाल रहा है। गेम्स भी अब इम्पोर्टेंट हो गया है तो थोड़ा थोड़ा गेम्स को भी आप देख लें, उसको अलग से सब्जेक्ट ना बनाएं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट हमको लगा कि ये देखो प्रज्ञा जो है ये अभी कुछ दिन कल या परसों कार्लस मैगनसन को हरा दिया, ये मैग्नस कार्लसन को हरा दिया, तो भाई साहब सेकेंड में हराए काफी पोटेंशियल है सके, आई थिंक 16 ईयर्स का, तो अच्छा बात है। अब यहाँ पे देखो हो रहा है कुछ कुछ कप ऑर्गेनाइज हो रहा है, हो जाने दो, जब रिजल्ट आएगा तब तो उसे वर्ल्ड किया जाएगा। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो आप जरूर बताएं, और मैं सोच रहा हूँ कि ज्योग्राफी को भी एक बार अच्छे से पढ़ाऊँ ताकि जो NCERT बेसिक है तो ज्योग्राफी का एक मार्क्स बढ़ते जा रहा है ना, तो वो भी समझना बहुत जरूरी है, कोशिश करूंगा उससे भी लाने का। थैंक यू।